नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 अप्रैल दिन बुधवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना हाई कोर्ट में अब 24 अप्रैल को होगी मोदी सरनेम से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। सुशील मोदी के बयान पर जदयू प्रवक्ता ने ऐसे दिया जवाब। कर्नाटक के चुनाव में होने वाले प्रचार अभियान को लेकर बीजेपी ने जारी की अपने स्टार प्रचारकों की सूची। संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश पर कसा तंज और कहा, देश के लिए योगी मॉडल सर्वोत्तम। अब चलिए बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। पटना हाई कोर्ट में अब 24 अप्रैल को होगी मोदी सरनेम से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को परिवारवाद पत्र के एक मामले में उपस्थित होने के लिए राजधानी पटना के एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, जहां 24 अप्रैल को पटना हाई कोर्ट में जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होना है। बता दें कि न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ में सुनवाई के लिए राहुल गांधी द्वारा दायर यह याचिका लिस्टेड है। इससे पहले यह सुनवाई 25 अप्रैल को होनी थी, लेकिन इस मामले को लेकर राहुल गांधी के अधिवक्ता द्वारा जल्द से जल्द इस मामले को लेकर सुनवाई करने की गुहार लगाई गई थी, जिसे कोर्ट की तरफ से स्वीकृति भी मिल गई है और अब यह सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। टीएमसी के वरिष्ठ नेता ने खुद को बता दिया भाजपा का विधायक। इन दिनों पश्चिम बंगाल के सियासत में लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। वहीं अभी हाल में ही तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय की चर्चा तेज थी। दरअसल राजनीतिक गलियारों में उनके अगले कदम की चर्चा हर कोई कर रहा था। अब इन्हीं चर्चाओं के बीच इस बात की खबर सामने आई है कि अब मुकुल रॉय भाजपा में लौटना चाहते हैं। बता दें कि यह बात उन्होंने मंगलवार की रात बताते हुए कहा कि वह अभी भाजपा के विधायक हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वे भाजपा में लौटने के इच्छुक हैं। मालूम हो कि बीते सोमवार को मुकुल रॉय के दिल्ली जाने की खबर सामने आई थी, जहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि वे किसी निजी कार्य से दिल्ली आए हैं। कांग्रेस गिरफ्तार पार्टी में शामिल हो सकते हैं नीतीश और तेजस्वी। रमजान के इस महीने में बिहार की राजनीतिक पार्टियां द्वारा जम के इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आने वाले 2024 और 25 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। अब चुनाव के इस दौर में अपने वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी कई खेले खेले जाते हैं। इसी कड़ी में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं द्वारा भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। अब इसके बाद बिहार कांग्रेस की तरफ से भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस के इफ्तार पार्टी में महागठबंधन समेत कई बड़े नेताओं आने का निमंत्रण भी भेजा गया। वहीं अब इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव भी इस इफ्तार में शामिल हो सकते हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक यदि वे इस पार्टी में शामिल होते हैं तो कैबिनेट में जगह देने वाली बात पर भी चर्चा हो सकती है। दिल्ली की सड़कों पर गोलगप्पे खाते दिखे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार की शाम अचानक से नई दिल्ली के बंगाली मार्केट में पहुंचे। यहां उन्होंने मार्केट के गोलगप्पे का स्वाद चखा, साथ ही उन्हें जामा मस्जिद के पास ही अल जवाहर में खाना खाते भी देखा गया। दरअसल अकरम कुरैसी नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर द्वारा अल जवाहर नाम के इस होटल में राहुल गांधी के खाना खाने का एक वीडियो शेयर भी किया गया। राहुल गांधी को देखते ही उनके फॉलोवर्स की काफी भीड़ भी जमा हो गई। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी को आसपास सिक्योरिटी भी मौजूद थे। राहुल गांधी को इस तरह से बाहर निकलता देख और एक आम आदमी की तरह जीवन का लुत्फ उठाता देख हर कोई हैरान था। वहां मौजूद कई लोग उनके साथ फोटो लेने के लिए भी उत्साहित थे। अब सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की यही तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। बेटा मामले में बीजेपी के आरोपों के बाद जदयू ने बुलाए प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी बिहार सरकार को लगातार निशाने पर रखते हुए जंगलराज की बात कर रही है। जब से पटना की बिहटा में बालू माफियाओं द्वारा महिला खनन पदाधिकारी को पीटने की घटना सामने आई, लगातार बीजेपी के तरफ से लगाए जा रहे आरोपों के बाद मंगलवार को ही जदयू प्रवक्ताओं द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जहां यह बात रखी गई है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी बताया गया कि बालू माफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं महिला अफसर को घसीटने और पीटने वाले मामले में उन्होंने कहा कि अब इस मामले में अब तक 45 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो भी अभी बचे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। साथ ही साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस यह साफ शब्दों में कहा गया कि महिला अधिकारी के साथ जो भी हुआ वह किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। कर्नाटक के चुनाव में होने वाले प्रचार अभियान को लेकर बीजेपी ने जारी की अपने स्टार प्रचारकों की सूची। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव आयोजित होने वाले हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा जमकर प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं। अब इसी क्रम में अपने स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी के तरफ से भी चुनाव प्रचार अभियान को देखते हुए आज जारी कर दी गई है। मालूम हो कि बीजेपी कर्नाटक की सभी सत्ताधारी पार्टी भी है। बीजेपी द्वारा जारी किए गए स्टार प्रचारकों की सूची में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के नाम भी देखने को मिले, जिनमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह भी शामिल है। इनके अलावा कुल 40 नेताओं के नाम और भी शामिल किए गए हैं।
सुशील मोदी के बयान पर जदयू प्रवक्ता ने ऐसे दिया जवाब। कुछ दिनों पहले मोतिहारी में जहरीली शराब से हुए मौत के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया था। नीतीश कुमार के ऐलान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी के तरफ से यह बयान सामने आया है कि बीजेपी के दबाव में सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है। साथ ही उन्होंने मुआवजा देने की नीयत पर सवाल भी खड़ा किया और उन लोगों के रिहाई की मांग भी की जिन्हें शराब पीने के मामले में जेल में बंद किया गया। सुशील मोदी के इस बयान को लेकर अब जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का जवाब सामने आया है। दरअसल उनके द्वारा कहा गया है कि शराबबंदी के बाद महिला अपराध में पहले से कमी आई और इसकी मांग महिलाओं द्वारा ही की गई थी। साथ ही उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब तक बीजेपी हमारे सरकार में शामिल थी तब तक जहरीली शराब के मामले में मुआवजे की आवाज उठाने में गुरेज करते रहे। एस जयशंकर ने कांग्रेस नेता के तंज का ऐसे दिया जवाब। सूडान में फंसे भारतीयों को लेकर ट्विटर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के बीच बयानबाजी देखने को मिली। दरअसल सूडान गृह युद्ध में फंसे आदिवासी समाज के 31 लोगों पर वापस लाने को लेकर कांग्रेस नेता सिद्धारमैया सरकार की निष्क्रियता का आरोप लगा रहे थे। उनके इसी आरोपों पर राजनीति गर्मा गई और विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा ट्वीट के जरिए ही पलटवार किया गया, जहां उन्होंने लिखा कि आपके ट्वीट से स्तब्ध हूं, जीवन दांव पर है, राजनीति मत कीजिए। फिर ट्वीट के जरिए ही यह जानकारी एस जयशंकर द्वारा दी गई कि 14 अप्रैल से सूडान में गृह युद्ध शुरू होने के बाद से ही वहां फंसे भारतीयों के संपर्क में लगातार भारतीय दूतावास बने हुए हैं। अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश पर कसा तंज और कहा, देश के लिए योगी मॉडल सर्वोत्तम। भाजपा और जदयू के बीच यूपी में हुए अतीक अहमद और अशरफ की हत्या को लेकर लगातार जुबानी जंग देखने को मिल रही है। अब इसी बीच यूपी में मौजूद योगी सरकार की केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे द्वारा जमकर तारीफ की गई। साथ ही बिहार में मौजूद नीतीश सरकार पर जमकर तंज भी कसे गए। दरअसल उन्होंने बिहार में भी उत्तर प्रदेश के मॉडल की बात की और कहा कि योगी का मॉडल होगा तभी बिहार चलेगा और दौड़ेगा। नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब बेसहारा हो गए हैं और थक चुके हैं, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने देश के लिए योगी सरकार को रोल मॉडल सरकार भी बताया और कहा कि यहां कोई भी अपराधी नहीं बच सकता। यूपी निकाय चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी किए नगर निगम उम्मीदवारों की सूची। आज नगर निगम की सूची समाजवादी पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के लिए जारी की गई। सूची को जारी करते हुए पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान 18 नगर निगमों पर किया। बता दें कि नगर निगमों में गाजियाबाद, आगरा, झांसी, शाहजहांपुर, सहारनपुर, फिरोजाबाद, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन के सीट शामिल है। बता दें कि बीते चुनावों में समाजवादी पार्टी को नगर निगम में भी एक जीत नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब इस चुनाव को लेकर पार्टी द्वारा काफी पहले से ही चुनाव की तैयारी किए जा रहे हैं। संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को लेकर एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अजीत पवार द्वारा खंडन किया गया था। जैसे ही अजीत पवार ने बीजेपी में शामिल होने के अटकलों को खारिज किया, वैसे ही विरोधी दल बीजेपी पर टूट पड़े। दरअसल संजय राउत जो कि शिवसेना के नेता हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि हमने बीजेपी का नकाब उतार दिया। साथ ही दावा करते हुए यह भी आरोप लगाए कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी दलों को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। अपनी बातों को आगे रखते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हम लोग इस षड्यंत्र के खिलाफ लड़ने के लिए डटकर तैयार हैं। बिहार की सबसे कम विधायक वाली पार्टी सबसे अमीर। अगर हम बिहार की 4 प्रमुख पार्टियों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा धन है वह पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार जेडीयू की ओर से जनवरी 2022 के खीरी हफ्ते में स्वैच्छिक सहयोग राशि संग्रह अभियान शुरू किया गया था, जिससे उसके पास 71 करोड़ रुपए आए थे। वहीं अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की प्रदेश इकाई के खाते में केवल 51 लाख रुपए हैं। इसके अलावा बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी और जिसके पार्टी अध्यक्ष और नेताओं के पीछे ईडी, सीबीआई सब लगी है, आरजेडी के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के द्वारा यह दावा किया गया है कि उनके खाते में केवल 1 करोड़ रुपए है। वहीं बिहार कांग्रेस की बात करें तो यह पार्टी बिहार में दिल्ली के पैसों से चलती है। इनका खर्च विधायकों को मिलने वाले वेतन से चलता है। यूथ कांग्रेस प्रमुख अंकिता ने राष्ट्रीय प्रमुख और सचिव प्रभारी पर लगाए उत्पीड़न के आरोप। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रमुख श्रीनिवास वीवी और सचिव प्रभारी वर्धन यादव पर असम यूथ कांग्रेस की प्रमुख डॉक्टर अंकिता दत्ता द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। दरअसल रायपुर पूर्ण सत्र के दौरान अंकिता दत्ता द्वारा कहा गया कि श्रीनिवास जी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम वोडका पीती हो। उनके इस बात पर उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई गई, लेकिन बावजूद इसके इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई। साथ ही दत्ता ने यह भी आरोप लगाया कि अब मुख्यमंत्री बिस्व शर्मा के साथ मेरे पोस्टर बनाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मैं सीएम को खुश करने की कोशिश कर रही हूं। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मेरे नाम से नहीं ए लड़की शब्द से संबोधित किया गया। अतीक अहमद हत्याकांड पर योगी सरकार को शरद पवार ने घेरा।
अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर बीते दिन मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार के द्वारा यूपी की योगी सरकार को घेरा गया। उन्होंने कहा कि अगर सत्ता में मौजूद ताकतों के द्वारा कानून का उल्लंघन करने की आदत डाली जाएगी तो ये देश का गलत रास्ते पर ले जाने का काम है। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपने संविधान और कानून के तहत चलता है, लेकिन अगर ऐसे खुलेआम कानूनों को हाथ में ले ली जाने की बात की जाएगी और अराजकता भरा माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी तो इससे केवल देश को नुकसान होगा। बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार के भतीजे और एनसीपी नेता अजीत पवार भी मौजूद थे। मालूम हो कि अजीत पवार को लेकर पिछले कुछ दिनों से ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर सिद्धारमैया ने चला इमोशनल कार्ड। 224 सीटों के लिए होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से जमकर प्रचार प्रसार करने का काम किया जा रहा है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया के द्वारा एक ऐसा इमोशनल कार्ड चला गया है जो कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल उन्होंने मैसूर के वरुणा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव उनका आखिरी चुनाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि वह इस चुनाव के बाद चुनावी राजनीति छोड़ देंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को लेकर कहा कि बीजेपी राज्य में सत्ता में नहीं आएगी और बीजेपी को 60 से भी ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस चुनाव में सिद्धारमैया के प्रचार प्रसार के लिए उनके पोते दावान राकेश भी जुट गए हैं। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, सुरेश ओरम, मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान, राकेश कौशलेंद्र, कुमार सिन्हा, बबली कुमारी, शशि कुमार, सदाम कुमार, रामसेवक शर्मा, बाबूलाल मरांडी, महेश यादव, चंद्रशेखर सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा हुआ है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।